हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुनील टेक्निकल। आज मैं आपको बताऊंगा कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस क्या होता है? सो सबसे पहले इसके देर आर टू टाइप्स कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो देर आर टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, ठीक है, दो टाइप होते हैं इसके। एक टाइप होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन और दूसरा जो होता है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये दो पार्ट होते हैं इसके, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के पार्ट्स। पहले हम देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन इसका डायग्राम मैं आपको बता दूँ कैसे बनता है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, ये मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन का। ठीक है, यहाँ पे बैटरी और ये के, देन यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, देन उसके बाद ये सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो ये R1, R2, R3 होते हैं, इनका नाम होते हैं R1, R2 एंड R3। ठीक है, जो ये करंट फ्लो होता है वो इक्वल सेम होता है, इक्वल लेवल के अंदर होता है, सेम लेवल के अंदर होता है सीधा। जैसे एक वायर के अंदर करंट फ्लो होता है, सेम इसी के अंदर भी करंट फ्लो होता है सेम लेवल पर। ठीक है, सो इसका नाम है V1, इसका नाम V2, इसका नाम V3 और इसको बंद कर देना है ऐसे। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का डायग्राम बन गया। ठीक है, डायग्राम के साथ इसमें थोड़ी सी थ्योरी भी लिखनी पड़ती है, थ्योरी तो आप बुक में दे रखी है वहाँ से आप लिख लोगे। मैं आपको बता देता हूँ, इन सीरीज कॉम्बिनेशन देन फर्स्ट ऑफ रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड विद द बैटरी एज सेकेंड एंड कनेक्टेड विद फर्स्ट एंड सेकेंड रेजिस्टेंस वायर ऑफ एंड सेकेंड एंड रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद फर्स्ट ऑफ थर्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। देन अब मैं आपको बता देता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इसका डायग्राम बनाते हैं हम, इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, सेम इसका अपोजिट बनेगा। इसमें देखिए कैसे होंगे, इसके अंदर सेम लेवल पर नहीं होते। ठीक है, इस पर सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर सेम लेवल पे होते थे, एक वायर है उसके अंदर करंट फ्लो होता है। ठीक है, सेम इसके अंदर उल्टा होता है, सेम इस पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक है, इसका डायग्राम इस तरह बनेगा, इसके तीन करंट फ्लो होंगे, तीन, फर्स्ट, टू, थ्री। तो इसका नाम होगा सेम R1, R2 एंड R3। ठीक है, देन ये A हो गया और ये B हो गया। ठीक है, ये इसके नाम हो गए। देन जो ये इनके नाम होंगे I1, I2 एंड I3। ये करंट फ्लो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, R1 में भी हो रहा है, R2 में भी हो रहा है, R3 के अंदर भी हो रहा है।
इसमें एक ही वायर था, इसमें जैसे अपन एक वायर में करंट जाता है, देन उस वायर को हम उस वायर से हम तीन चार वायर कनेक्टेड कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं एक दो तीन, तो इसके अंदर भी सेम वैसे ही कर दिया हमने। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर सिंपल होता है, और इसके अंदर वन वायर के अंदर तीन चार वायर कनेक्टेड होते हैं, देख लीजिए इस तरह से इसका इसका यू सेम आएगा और इसका यू सेम आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन का ऐसे और इसका ऐसे, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, यहाँ से वी के अंदर इसको कनेक्ट करेंगे। इसमें हमने लिखा था वी वन वी टू वी थ्री, इसके अंदर ये करंट फ्लो सारा एक के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। तो इसको पूरा हम वी के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, और यहाँ से ये करंट फ्लो होता है, ठीक है। यहाँ इधर ये प्लस होता है और ये इधर माइनस होता है, प्लस माइनस से अट्रैक्ट होते हैं और करंट जनरेट होता है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, फर्स्ट एंड ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड विद द पॉइंट एंड विथ अनदर पॉइंट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन वेल बी सम करंट फॉलोइंग द ईच वायर विल बी डिफरेंट। ओके गाइस, सो ये दो कॉम्बिनेशन के टाइप थे, पैरेलल सीरीज, तो ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।